सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कहाँ था इतने दिन, टाइम नहीं मिल रहा था गाइस। तो आज लेके आया हूँ मैं सेटअप टूर। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट पे पिछली वाली स्ट्रीम में जब बहुत सारे लोगों ने कहा कि सेटअप टूर बना दो, तो मेरे को भी लगा यार बना देना चाहिए। वैसे भी मेरे पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट है लेकिन मैं इतना आलसी हूँ कि मैं बनाता ही नहीं हूँ वीडियोस। लोंडो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, खुशियाँ मनाओ भाई। लाइक कब की कैंसिल होगी, अब तो 11वीं के क्लासेस शुरू हो गए हैं। बहुत क्लेशों में पता है। सेटअप देख लो आप, और बस आपको मैं सेटअप दिखा रहा हूँ इन 3 2 1। ठीक है, फिर आती है ये वाली मेन चीज़ जो मेरा मेन टेबल है। ठीक है, इसके सिनेमैटिक्स आपने देख लिए होंगे। तो फर्स्ट लेट्स मूव टू द कीबोर्ड। ठीक है, तो ये कीबोर्ड है मांटा का, रेड गियर मांटा ब्लेज टूर्नामेंट एडिशन कीबोर्ड। ठीक है, धूल जो है लग रही है उसको इग्नोर कर देना। तो मोस्ट ऑफ द जो कीबोर्ड है ये तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, लेकिन आप इसके एक बार आवाज़ सुन लो। तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को मिसकन्फ्यूजन इस कीबोर्ड के साथ ये हो जाता है कि ये उनको लगता है कि ये है एक मैकेनिकल कीबोर्ड, और वो कहते हैं इसके अंदर ब्राउन स्विच लगे होंगे शायद, लेकिन मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। ठीक है, तो इसमें कोई मैकेनिकल वाली कोई फीलिंग ही नहीं है, बस एक नॉर्मल मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। हाँ, और रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी डिसेंट से आपको मिल जाएगा, लाइक गेमिंग के लिए बने ही है कीबोर्ड। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं मेरा माउस। ठीक है, तो मेरा माउस है रेड गियर का X13 Pro गेमिंग माउस, जो इसकी स्पेशलिटी ये आता है एवागो सेंसर के साथ, जो कि एक लेज़र सेंसर है। और जो इसके अंदर देखो RGB भी है, और एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल भी मिल जाता है, और एक DPI स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ठीक है, ये भी काफ़ी रीज़नेबल सा माउस है मेरे गेमिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा ये माउस पैड। तो माउस पैड जो है वो भी रेड गियर का मांटा के एडिशन में मेरे को मिल गया था, तो मैंने और कौन सा माउस पैड ख़रीदा नहीं है। और लाइक मैं इस सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर जो है मेरे डेली ड्राइवर यूज़ के लिए ये है नॉइज़ के एयरबड्स, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, मैंने रिसेंटली परचेस किए हैं, और मुझे इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक लगा यार। मतलब जिस प्राइस के हिसाब से ये दे रहे हैं उस हिसाब से काफ़ी ठीक है। फिर आप बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पे एक दिखेगा हेडफोन का माउंट, और ये है मेरे हेडफोन्स। तो ये है मेरे रेड गियर के मांटा एडिशन में ये हेडफोन्स आते हैं, और इसके ऊपर मैंने कुछ पेंट कर दिया है थोड़ा बहुत। आई नो इट लुक्स फनी बट ठीक है यार।
इसके अंदर आपको आरजीबी भी देखने को मिल जाएगी, जो मैंने अभी ऑन नहीं किया है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी गई है और आई डोंट वांट टू वेस्ट, ठीक है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय पावर इन दिस। तो फिर ये भी एक ओवर ईयर हेडफोन है, बेस ठीक ठाक सी बेस मिल जाती है, लेकिन फुटस्टेप्स वगैरह अभी आपको गेम अगर आप करते हो ये ख़रीदना चाहते हो तो डिसेंट अमाउंट ऑफ फुटस्टेप्स आपको आ जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे रखे एक पावर बैंक जिसके ऊपर मैंने बहुत कुछ किया है, आई नो इट लुक्स फनी, 10,400 mAh की पावर बैंक है ये, जो कि काफ़ी ठीक है, लाइक ये अभी चार्ज ही नहीं है लेकिन लॉल। फिर आपको देखने को मिलेगा ये मेरा लैपटॉप, तो ये है एसूस का वीवो बुक 15M09 लैपटॉप, ये आता है राइजन 5 3500U प्रोसेसर के साथ। मैं आपको एक बार इसकी प्रॉपर्टी चेक करवा देता हूँ, तो ये गया सिस्टम में, ठीक है गाइस, देख लीजिए आप, ये है AMD का राइजन 5 3500U प्रोसेसर जिसकी बेस क्लॉक स्पीड है 2.10 GHz, ठीक है, 8 GB की रैम लगी हुई है और 512 GB की NVMe SSD स्टोरेज है, और बस यार मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और जो कि काफ़ी एक मुझे अच्छा परफॉर्मेंस दे देती है, एक लाइक गेमिंग में डिसेंट सा परफॉर्मेंस मिल जाता है, ठीक है। फिर एक कूलिंग पैड आपको देखने को मिलेगा, ये कूलिंग पैड जो है वो है टुगजर की तरफ से आता है ये, इसके ऊपर जो है 3 फैन मोड्स है और 3 स्पीड्स है फ़ैन की, 3 स्पीड है फ़ैन में, और जो है 4 मोड मिल जाते हैं और मैनुअल ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, और ये चीज़ जिससे आपको 10 एक्स्ट्रा FPS मिलेंगे आपके गेम्स में वो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ये जो जिसको समझा नहीं वो मत देखो यार, मेरा चैनल छोड़ दो यार, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट गाइज, और इसके ऊपर मैंने कुछ स्टिकर लगाए हैं, जैसे आप देख सकते हैं रेड गियर का स्टिकर है, जोटैक गेमिंग का स्टिकर है, तो ऐसे सब स्टिकर लगाए हुए, और आप देख सकते हो मेरा माइक जो है, जो एक काफ़ी यूनिक माइक है, ये माइक किसी के पास नहीं मिलेगा गाइज, ये माइक है बोया का BM1 माइक, लेकिन इसका ये जो स्पेशल स्टैंड है वो मैंने फ्रांस से इंपोर्ट किया है, ठीक है, लेम जोक्स, तो ठीक है, ये जो है वो मैंने काफ़ी तगड़ा वाला जुगाड़ किया है, मैं आपको बताता हूँ मैंने जुगाड़ क्या किया है। तो ये एक बेसिक सा छोटा ट्राईपॉड था मेरे दोस्त का, और उसके ऊपर मैंने एक टूटी हुई सेल्फी स्टिक माउंट कर दी, और उसके ऊपर मैं माइक लगा के चलाता हूँ, लाइक दैट्स जुगाड़ भाई। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक सी टाइप वाली फ्लैश ड्राइव देखने को मिल जाएगी, जो कि सैंड डिस्क की है, 128 GB की है, काफ़ी ठीक चल जाती है मेरे लिए मूवीज़ वगैरह प्लग एंड प्ले के लिए, काफ़ी ठीक है ये। उसके बाद में अगर आप देखो मेरे टेबल पे और कुछ है तो फिर मिल जाता है मेरा फ़ोन, जो कि सैमसंग का गैलेक्सी J7 Max है, काफ़ी पुराना फ़ोन है। फिर आपको देखने को मिल जाता है टैबलेट, ये लेनोवो की तरफ से आने वाला कुछ तो M सीरीज़ का टैबलेट है, जो मैंने अनबॉक्स किया था, जो मेरा मोस्ट व्यूड वीडियो है यूट्यूब पे मेरा वाला, तो वो वाला टैब है, वो टैब 7 Essential है, और ये वाला डिफरेंट है, ये थोड़ा प्रीमियम वाला है और ये थोड़ा लेटेस्ट वाला टैब है, तो इसे हम अभी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो डैट्स इट मेरे इसमें तो यही है, और फिर साइड में एक कबर्ड है जिसका मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको दिखेगा ये, ठीक है, ये एक सॉफ्ट बॉक्स है जो मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नहीं करनी यार यूज़, बहुत ज़्यादा झंझट हो जाती है। और ये है मेरा पुराना लैपटॉप जो कि अभी बंद पड़ा है, बस उसके अंदर हार्ड ड्राइव नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी, जैसे और एक एक्स्ट्रा चार्जिंग ब्रिक है, एक USB हब है, और मेमोरी कार्ड्स है, स्क्रू ड्राइवर्स है, और मेन चीज़ कहा गई भाई, हाँ देखो ये हार्ड डिस्क पड़ी हुई है लैपटॉप वाली, फिर ये प्रोसेसर पड़ा हुआ है इंटेल का पुराना, गाइस देख सकते हो, देखो इतना नर्ड हूँ मैं, ठीक है। फिर आपको दिखेगा एक ड्रॉवर जो ऐसा खुलता है, ठीक है, इस ड्रॉवर के अंदर लाइक मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी काम की चीज़ें हैं, लाइक काम की चीज़ें तो नहीं है लेकिन मेरी सेंटिमेंट्स इन चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है,
लाइक जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तब से लेके आज तक मैंने जितनी भी चीज़ें अनबॉक्स की हुई है सबके डब्बे इस ड्रॉअर में पड़े हैं। लाइक मी बैंड 2 से लेकर, आपको आई 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 बटन में दिख रहा होगा, मी बैंड 2 से लेकर ऑनर बैंड 4 तक जितने मैंने अनबॉक्सिंग्स किए हैं, लाइक माउस से लेके ये हेडफोन्स तक, ईयरफोन्स तक, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, और माउस पड़े रेसबेरी पाई 3 के डब्बों से लेकर सब कुछ, लाइक यू नो सब कुछ इस ड्रॉअर में। तो इसलिए ये ड्रॉअर मेरे लिए बहुत खास है। हाँ तो लॉन्डो, मेरे सेटअप का भी एक काफ़ी बड़ी हिस्ट्री रही है। लाइक बात शुरू होती है 2014 से। मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूँ मेरे इस सेटअप के बारे में। लाइक मेरा जो पहला लैपटॉप था वो भी एसुस का था, उसके अंदर भी AMD के प्रोसेसर था, ठीक है। तो मैं सोचो तब से, जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था तब से मैं AMD और एसुस का फ़ैन बॉय रहा हूँ और हमेशा रहेगा। टीम रेड विंस भाई। लाइक तब मुझे याद है मैं को बहुत गुस्सा आता था कि मेरे लैपटॉप में AMD का प्रोसेसर क्यों है। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि मेरे लैपटॉप में राइजन 5 है, और तब का AMD और आज का AMD, लाइक इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस गाइस। लाइक जो लोग जानते हैं कि तब AMD 2011 में क्या ही था गाइज, AMD और राइजन के आने के बाद गाइज AMD का पूरा हिस्ट्री चेंज हो गया। और तुम लोगों को, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं AMD के हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मैं वो भी बना सकता हूँ, आप कमेंट करके बता देना। और गाइज कुछ फैक्ट्स ऐसे, लाइक मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा पैशनेट रहा हूँ गेमिंग और टेक्नोलॉजी में। तो लाइक मैं और मेरे कजिन्स, हम, मेरे को याद है हम समर में बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते थे, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे गेम्स खेले हैं यार गाइज। लाइक अभी तो मैं वैलोरेंट खेलता हूँ, ये सब गेम्स आ गए, अच्छे ग्राफिक्स वाले गेम्स आ गए। लेकिन तब हम जब खेलते थे तब GTA Vice City के ग्राफिक्स हमको काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करते थे। और भी कई गेम्स खेलते थे जैसे टोटल ओवरलोड होगी, और बहुत सारी गेम्स खेली है यार। वो एक ज़माना ही अलग था, आज कुछ और है। सो दैट शॉट मेक्स द डिफरेंस कि लाइक मैंने ये सारी चीज़ें इवॉल्व होती देखी है, मैंने इन सारी चीज़ों पे ऑब्जर्वेशंस किए हैं। तो इसलिए मैं आप सबको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि लाइक हाँ, ये भी एक ज़माने में एक चीज़ हुआ करती थी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और बस मैं बोलने लग गया तो ऐसी ही बातें करते रहूँगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। और सेटअप आप सभी लोगों ने देख लिया, पसंद आया नहीं पसंद आया कमेंट करके बताना, ठीक है। और हो सके तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखो मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ किसी भी चीज़ की, क्योंकि अब समझ आ गया है कि यूट्यूब क्या है, ठीक है। अब समझ आ गया है कि यूट्यूब क्या है, कैसी कैसी चीज़ें क्या क्या होती है, वो सब अब समझ आ गया है इस दिमाग में। और बस यार, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। टिल दैट, बाय बाय।